14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया। 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का, ये मुझे बताओ। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा, और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है, 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब युवा बड़े से बड़ा सपना देखे। अगर उसे इंजीनियर बनना है, अमेरिका में जाके काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके पास सारे के सारे हथियार हो। अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। ये हमारी सोच है भाई और बहनों। हम चाहते हैं कि प्रदेश का पैसा गाँव में जाके खर्च हो। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं अमेरिका, ले जाते हैं जापान, ले जाते हैं वहाँ पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में शहरों में पैसा खर्च करते हैं, और जैसे ही वो पैसा खर्च करते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। भाइयों और बहनों, किसान मजदूर और छोटा व्यापारी इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इसीलिए हम आपका कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करते हैं। बीजेपी क्या करती है, आती है नफरत फैलाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ। और जैसे ही आपने बटन दबाया, वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा।